बेटा मैं नहीं भेजूंगी अब स्कूल से, दरवाजा तो खोलो बेटा। उज़ैफा। निमल, निमल को क्या हुआ? उज़ैफा बाहर आ जाओ प्लीज, नाराज हो मम्मा से। निमल, ये देखे दरवाजा बंद कर लिया उसने, वो स्कूल नहीं जाना चाहता था, मैंने उसे जबरदस्ती भेज दिया, दरवाजा खुलवा दे प्लीज, देखे दरवाजा नहीं खोल रहा। उज़ैफा। निमल, दरवाजा अंदर से नहीं बाहर से लॉक है। आपने दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया? क्यों? वो बच्चा है, डर जाएगा, दरवाजा खोले। वजी मैं आपसे क्या कह रही हूँ, दरवाजा खोले, वो डर जाएगा अंदर, उसे अकेला रहने की आदत नहीं है ऐसे। अजीब सी बात है, पनिशमेंट देनी है बच्चे को तो कोई और तरीका, दरवाजा लॉक कर दिया। उज़ैफा परेशान नहीं हो बेटा, दरवाजा खोल रही है मम्मा। क्या करते हैं आप वजी? हटे। उज़ैफा, उज़ैफा, देखा बाजी बाथरूम में छुपा बैठा है आपकी वजह से, जाए बुला के लाए उसे, मुझसे तो वो वैसे ही नाराज था, आपने डांट के उसको बंद कर दिया कमरे में, जाए मुझसे नहीं मानेगा, जाए लेके आए उसे। उज़ैफा। उज़ैफा यहाँ नहीं है निमल। यहाँ नहीं है मतलब कहाँ है फिर? लॉन में होगा ना, मैं भी भूल गई, मैंने तो जबरदस्ती स्कूल भेजा था, उसको जाना नहीं चाह रहा था, नाराज होके बाहर। हो स्कूल, मैं भूल गई, देखा स्कूल भेजा है मैंने उसे, सुबह वैन आ गई थी, बहुत लेट हो गया था ना, कह रहा था टीचर ने बहुत होमवर्क दे दिया, नहीं जाना चाह रहा था, जबरदस्ती भेजा मैंने उसे, अब उस बात पे नाराज होगा, टीचर भी ना आजकल की, मैं उसे लंच देना भूल गई, अब क्या खाएगा वो। उज़ैफा कहीं नहीं है, ना स्कूल में, ना घर में। कहीं नहीं मतलब? ओहो, अनीशा के घर है। पहले बताते ना, ये आपने बताया होगा, मैं भूल गई, मुझे आजकल खुद ज्यादा याद नहीं रहता, मैं ऐसे इतनी परेशान हो गई। अनीशा भी बहुत ख्याल रखती है उज़ैफा का, और प्यार करती है ना उसे, नहीं होगा। अब आओ मेरे साथ। हाँ चल रही हूँ। अच्छा चल रही हूँ बाजी। अच्छा आप भी ना पहले बता देते।